गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ शनेश्वरी और मेरे चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नटखट मूवी, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। गाइस, जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे ये मूवी काफी पसंद आई थी, तो सोचा कि इसकी कहानी आपको भी सुनाऊं। तो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम सोनू नाम के बच्चे को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। जहाँ पर उसकी फील्डिंग लगी होती है, वहीं पर उसकी उम्र से बड़े बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि उन लोगों का हम पहले पीछा करेंगे, फिर जंगल में ले जाएंगे। उनकी बातों से लग रहा होता है कि वो किसी लड़की के रेप करने की बात कर रहे हैं। उनके बातों और हाव भाव से तो लग रहा था कि उनके लिए ये कोई गलत काम नहीं है और उन्हें कोई इस बात का डर भी नहीं है। यही सब बातें वहाँ छोटा सा बच्चा सोनू सुन रहा होता है। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया है, जहाँ पर कुछ छोटी बच्चियाँ अपना लंच कर रही है। तभी वहाँ पर एक शैतान बच्चा बीरू आकर उनकी चोटी खींचने लगता है और उनको परेशान करता है। तभी रेशमा नाम की लड़की उसे थप्पड़ मार देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोनू अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है। तभी एक बच्चा उसे बाहर से बुलाने के लिए आता है। सोनू जब बाहर जाता है तब पता चलता है कि बीरू ने उसे बुलाया था। अब बीरू उसे पूछता है कि जब तुम ग्राउंड में खेल रहे थे तो वो बड़े बच्चे भूसा और दोरा लोगों की क्या बातें सुनी थी। अब वो लोग भी रेशमा के साथ वही करने का सोचते हैं। जब रेशमा अपने घर जा रही थी तब बीरू अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे पकड़ लेता है और फिर जंगल में ले जाता है। रेशमा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, पर वो लोग उसे पकड़ के रखते हैं। ये सब देखकर हैरानी होती है कि इतने छोटे बच्चे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब वीरू एक बड़ी सी कैंची निकालता है और सोनू से पूछता है कि आगे क्या करना है। सोनू कहता है उसे आगे का पता नहीं, क्योंकि तब भूसा ने उसे भगा दिया था। तब बीरू रेशमा की चोटी काटने के लिए आगे बढ़ता है और सोनू को उसकी मदद करने के लिए बोलता है। बीरू रेशमा को धमकी देने लगता है कि आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया या कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी चोटी काट दूंगा। छोटी बच्ची रेशमा रोने लगती है। वो गिड़गिड़ा कर कहने लगती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी और उसे माफी मांगती है। बीरू उसे धमकी देकर छोड़ देता है और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि सोनू अब अपने घर जाता है। घर में आते ही उसे उसकी दादी मिलती है। फिर उसके बाद वो अपनी माँ को ढूंढता है तो उसकी माँ उसे गोद में उठा लेती है और पूछती है, आज मेरे नटखट लाल ने स्कूल में क्या पढ़ाई की। सोनू ज्यादा कुछ बता नहीं पाता क्योंकि वो पढ़ाई के बदले कुछ और ही कर रहा था। सोनू पहले अपने माँ से कहता है कि माँ, आज मेरे लिए जलेबी बना देना। तो माँ कहती है, जलेबी सिर्फ साफ सुथरे बच्चे को ही मिलती है, इसलिए जाओ पहले नहा कर आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि घर के सारे मर्द बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ सोनू के पिताजी और उसके दादाजी और चाचा जी भी मौजूद होते हैं। वहीं पर सोनू की माँ सबको खाना परोस रही होती है। उनका बिजनेस शायद किसी स्मगलिंग का था। सोनू के चाचा बता रहे होते हैं, एमएलए मैडम का घूस लेने का चर्चा ज्यादा हो गया है, इसलिए हम कॉलेज के बाद सीधा उनके ऑफिस गए थे। वहीं पर हम धरना दिए थे कि 30% से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात पर सोनू के पापा कहते हैं कि ये जो आज कांड करके आया है, इसके बाद एमएलए मैडम का मेरे पास फोन आया था, वो काफी चिल्ला रही थी। अब दादाजी अपने छोटे बेटे को उसके काम के लिए शाबाशी देते हैं और अपने बड़े बेटे को यानी कि सोनू के पापा को कहते हैं कि कुछ सीखो अपने भाई से, उन्हें तो कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती। ये सब बातें चल रही थी कि तभी सोनू बोलता है कि आप उसे उठवा क्यों नहीं लेते। ये बात सुनकर सबके गले में निवाला अटक जाता है। सोनू कहता है कि जब कोई लड़की तंग करे तो उसे उठवा कर जंगल ले जाओ, फिर वो दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। ऐसे ही हमारे स्कूल के रेशमा तंग कर रही थी तो हमने आज उसे उठवा लिया, तो अब वो सही हो गई है। सोनू के पापा ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं
और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दादाजी उसे रोक देते हैं, ये कहकर कि लड़का है हो जाता है, जाने दो। यह सारी बातें सोनू की माँ किचन से सुन रही थी। अब रात होने पर सोनू की माँ सोनू से पूछती है कि तुम खाने के टाइम पे बात कर रहे थे तो तुमने आज क्या किया। तब सोनू उसे बताने लगता है कि हमारे क्लास में जो रेशमा नाम की लड़की है उसने आज बीरू को थप्पड़ मार दिया। भला ऐसा कहा होता है कि लड़की लड़के को थप्पड़ मारे, वो बस लड़कियों की चोटी तो खींच रहा था, इसलिए हमने आज उठवा लिया, फिर उसे जंगल ले गए, देखना वो अब हमें कभी परेशान नहीं करेगी। ये सब बातें सुनकर माँ एकदम परेशान हो जाती है कि उसका बेटा ये किस राह पर चल रहा है। तभी सोनू नोटिस करता है कि माँ के गले में चोट के निशान है। वो माँ से पूछता है कि ये चोट कैसे लगी, तो माँ कहती है कि शायद मेरे नटखट लाल ने स्कूल में कोई शैतानी की होगी, तभी ये चोट लग गई। वो ऐसे ही कह के अपने चोट के निशान के बात को टाल देती है। वो कहती है कि आज मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक रुद्र नामक राजा रहता है। वो बताती है कि बहुत साल पहले एक राजा था जिसका नाम रुद्र कुमार था और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था उर्मी। राजा रुद्र अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, लेकिन वो पंछियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। इसलिए उसने राज्य में घोषणा दी थी कि जो भी पंछियों को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। फिर जो भी इंसान जितने भी ज्यादा पंछियों को मारता था उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलता था। इस वजह से आसमान में अगर एक भी पंछी दिखता तो उसके ऊपर कई सारे तीर चल जाते थे। अब सोनू पूछता है कि आखिर राजा पंछियों से इतनी नफरत क्यों करता था। तब माँ बताती है कि एक दिन राजा के दरबार में पंछियों का झुंड आया था और राजा से पूछने लगा कि जिस भगवान ने आपको बनाया है उसी ने हमें भी बनाया है, तो हमसे इतनी नफरत क्यों। इस बात पर राजा कहता है कि तुम लोग इतनी कमजोर हो, तुम अब अपने आप को हमारे बराबर कैसे मानती हो, मेरे भगवान तुम जैसे लोगों को कभी नहीं बना सकता। ये सब कहने पर राजा उन सिपाहियों को तीर चलाने को कह देता है, तो चिड़िया उड़ जाती है तो कुछ चिड़िया मारी जाती है। इसी बीच हमें सोनू की जिंदगी दिखाई जाती है कि वो कैसे धीरे धीरे लोगों से गलत काम करना सीख रहा है। वह अब गलत संगत में आकर गलत राह पर चल रहा था। जो माँ कहानी सुना रही है वो कंटिन्यू नहीं होती है और रात उसे आगे की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि पंछियों का झुंड ने अब फैसला किया है कि वो वहाँ से चले जाएगी। उसके बाद राजा का पूरा आसमान खाली हो जाता है और वहाँ से सारे पंछी चले गए थे। अब पंछियों के चले जाने से राज्य में चूहे की तादाद बढ़ने लगती है। राज्य के हर रास्ते पर खेत में बस चूहे ही चूहे हो गए थे। अब अगले दिन राजा देखता है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा बीमार हो गई है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। उसने अपने अपने राज्य के वैद्य को भी दिखाया और दवा का भी कोई असर नहीं हुआ है और उसका बुखार बढ़ता चला गया। सोनू फिर से नोटिस करता है कि माँ के सिर पर चोट लगी है, तो वो माँ से उसके बारे में पूछता है, तो माँ कहती है कि ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है। सोनू कहता है कि माँ ये मेरी वजह से कैसे, तो माँ फिर से हंस कर कह देती है कि जरूर मेरे नटखट लाल ने कोई शैतानी की होगी, तभी ये चोट मुझे लगी है। अब वो आगे की कहानी सुनाती है कि राजा दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, तो आखिर भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो रो रो कर भगवान से कहने लगता है कि मैंने जिंदगी भर आपको ही पूजा है और मैं अच्छा राजा और अच्छा पिता भी हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तेरी बेटी तो तेरे ही कर्मों के कारण बीमार है। वो कहते हैं कि जिन पंछियों को तुमने मार मार कर अपने राज्य से भगाया था वो भी तो मेरी ही रचना है और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की और इसलिए मैंने तुम्हें ये श्राप दिया है। भगवान की ये बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है।
वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसे कमजोर जो आप कैसे बना सकते हो, और ये सच है तो आप मेरे भगवान नहीं हो सकते। अब राजा का अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं रह गया था, तो उनके श्राप को तो वो क्या ही मानता। अब राजा और भी ज्यादा घमंडी और हिंसक हो जाता है। वो सोचता है इस बीमारी को खत्म करना है तो सारे चूहों को मारना पड़ेगा, इसलिए वो सारे राज्य में ऐलान करता है कि जो भी जितने ज्यादा चूहे मारेगा उसे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। इनाम के चक्कर में रातों रात लोग खूब चूहे मारते हैं। अगले दिन तक पूरे राज्य में बदबू फैल जाती है। जब सोनू फिर से नोटिस करता है कि माँ के गाल पर चोट के निशान है, वो माँ से पूछता है कि ये चोट कैसे लगी। माँ एकदम उदास होकर कहती है कि शायद फिर से मेरे नटखट लाला ने कुछ शैतानी की होगी। सोनू कहता है कि मैंने क्या किया माँ। माँ बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहानी कंटिन्यू करती है। वो बताती है कि इतने सारे चूहों को मारने के बाद वहाँ और भी कई बीमारियाँ फैलने लगी और वहाँ पर कई तरह के कीड़े पैदा हो गए और वहाँ की फसल खाने लग गए और वहाँ पर सूखा पड़ने लगा। एक दिन सोनू पानी पी रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके पिताजी उसके माँ के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और उसे मार पीट रहे होते हैं। ये नजारा देखकर सोनू एकदम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं पास में उसकी दादी ये सब देख सुन रही होती है, पर वो ऐसे लेटी होती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। माँ बताती है कि उर्मी की हालत अब बद से बदतर होने लगी थी और उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। तब सोनू देखता है कि माँ का पूरा होश सूजा हुआ है और पूरे चेहरे पर मार खाने के निशान हैं। इस बार वो माँ से चोट के बारे में कुछ नहीं पूछता। उसे पता चला था कि वो चोट के निशान कैसे लग जाते थे। अब माँ उसे पूछती है कि उर्मी की इस हालत का जिम्मेदार कौन था और आज भी तुमने कोई शैतानी की है तभी ये चोट मुझे लगी है ना। सोनू रोते हुए कहता है कि राजा रौद्र की वजह से उर्मी मर रही थी और मैंने कोई भी शैतानी नहीं की है। माँ अपने चोट को छुपाते हुए कहती है कि तूने कोई शैतानी की है तभी ये निशान है। अब सोनू रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेता है। अब वो कहने लगता है कि वो अब कभी भी कोई भी शैतानी नहीं करेगा, कभी भी गलत काम नहीं करेगा। अब हमें पता चलता है कि जब भी सोनू कोई शैतानी या गलत काम करता था और उसके पिताजी को पता चलता था तो उसे तो वो मार नहीं सकते थे क्योंकि वो तो बच्चा था, इसलिए वो सारा गुस्सा सोनू की माँ पर ही उतारते थे और उनके साथ जबरदस्ती भी करते थे। इसलिए माँ हमेशा यही कहती रहती थी कि जरूर मेरे नटखट लाला ने कोई शैतानी की होगी तभी ये चोट के निशान है। और अब ये सारी बातें सोनू को समझ आ गई थी, इसीलिए वो अपने माँ से सॉरी कहता है। अब वो कभी भी कोई भी शैतानी करने से मना कर देता है। अब माँ सोनू से कहती है कि अब उर्मी को बचाने के लिए राजा रुद्र को क्या करना चाहिए। तब सोनू कहता है कि राजा को सारे पंछियों की माफी मांगनी चाहिए। उसकी माँ कहती है कि सिर्फ माफी मांगने से तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि राज्य में अभी भी बीमारी फैली हुई है और हर जगह सूखा पड़ा था। तब सोनू कहता है कि राजा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे राज्य में हरियाली लानी चाहिए तभी कुछ सुधार आएगा। वही हम देखते हैं कि सोनू अब पूरी तरह से बदल गया था और वो अब तक जितने भी गलत काम करते आ रहा था वो सब वो छोड़ चुका था। माँ कहती है कि राजा ने भी ठीक ऐसा ही किया। वो खेत में उतर गया और बीज बोए, अभी भी बेहोशी थी लेकिन राजा डटा रहा और राज्य में हरियाली लाने के लिए उसने खूब मेहनत की। वही हम देखते हैं कि बीरू लड़कियों को छेड़ रहा होता है। सोनू उसका साथ देने की वजह उसको रोकने लगता है। सोनू अब गलत के साथ नहीं गलत के खिलाफ खड़ा होने लगा था। अब माँ बताती है राजा की मेहनत आखिरकार रंग लाई और चारों तरफ हरियाली छा गई और हर जगह फसल लहराने लगी और अब वहाँ पर पंछी भी लौट आए थे, हर जगह खुशी का माहौल बन गया था। तभी राजा के दरवाजे पर कोई आता है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी उर्मी होती है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनू की माँ उसके लिए जलेबियाँ लेकर आती है
क्योंकि माँ ने कहा था कि जलेबी सिर्फ साफ सुथरे बच्चों को ही मिलती है और सोनू अब बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। माँ के चेहरे पर अब चोट के कोई भी निशान नहीं थे क्योंकि उसका नटखट लाल अब कोई भी शैतानी नहीं कर रहा था। माँ कहती है कि उर्मी के हाथ में एक खूबसूरत लाल रंग की चिड़िया थी। वह चिड़िया राजा से कहती है कि मेरी हर रचना अनोखी है लेकिन समान है। तब राजा को समझ आता है कि भगवान उस लाल चिड़िया के रूप में उसके पास आए हैं। वो चिड़िया के आगे अपना सिर झुका देता है। तब हम देखते हैं कि सोनू और उसकी माँ खुशी खुशी जलेबियाँ खा रही होती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये मूवी भले ही शॉर्ट है लेकिन काफी कुछ कहकर जाती है गाइस। इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे बच्चे ऐसे ही पलते हैं कि जैसे हमारा घर का माहौल और आसपास का माहौल होता है। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो उसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी सही है और मुझे लगता है कि इसे और भी अच्छी रेट। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।